बहुत बढ़िया, तू बता। बस यार क्या हो गया पैर में, लंगड़ाता हो कैसे आ रहा तू? अरे यार तेको पता है मैं बास्केटबॉल तो खेलता रहता हूँ। अभी कुछ महीनों पहले क्या हुआ, खेल रहा था वो गिर गया, तो घुटने में लग गई थी यार। और ये जब से अभी जयपुर में वापस बारिश पड़ी है, थोड़ी ठंड बढ़ गई, तब से इसका दर्द वापस से शुरू हो गया यार। जान ले रखी है इस दर्द तेरे को कहीं आर्थराइटिस तो नहीं हो गया? में बहरा रही है, पूछ रही है। नहीं सही कह रही हूँ। वैसे देख आज आर्थराइटिस डे भी है, तो मुझे लगता है कि अपन को डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए, तेरी समस्या का समाधान भी मिल जाएगा गुड और आइडिया, इन्फॉर्मेशन गुड भी मिल जाएगी अपन को। आइडिया, कर सकते हैं, लेट्स डू इट। तो आज वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे है और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कपिल। कपिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। थैंक यू मैम। तो सर बेसिकली मैं जानना चाहूंगी कि आज गठिया वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे है, गठिया यानी कि गठिया रोग, तो ये बेसिकली होता क्या है? तो मैम आर्थराइटिस लाइक इंफ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द जॉइंट, दैट इज ये आर्थराइटिस का मतलब है दो शब्दों से मिलकर बना, आर्थर और आईटिस। आईटिस का मतलब होता है इंफ्लामेशन और आर्थर का मतलब होता है जॉइंट। तो एक ये इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट होता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को अगर जॉइंट में पेन हो, स्वेलिंग हो, टेंडरनेस हो, टेंडरनेस से मतलब है कि अपन उसको प्रेस करते हैं, इफ ही फील अनकंफर्टेबल टेंड दर्द महसूस करता है, तो दैट इज कॉल्ड टेंडरनेस। सो दैट इज द करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ एनी आर्थराइटिस का डे। ओके, अगर हम इसके लक्षण की बात करें, कितने प्रकार के हो सकते हैं और इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो अगर मुझे आप पूछें कि कितने प्रकार के होते हैं, तो मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि आजकल अमूनन देखा जाता है एज रिलेटेड पेशेंट में, जो और जिनकी एज ज्यादा होती है, जो ओवेज होते हैं, जिनका ओवरवेट होता है, या जो जिन पेशेंट ने ओवर यूज इंजरी होती है, जैसे कि बहुत ज्यादा काम ले रहे हैं जॉइंट्स को, उनकी बैठने की स्टाइल फॉल्टी पोस्चर हो, जैसे वो आलसी पालसी डाल के ज्यादा बैठते हो, हाइपरफ्लेक्शन में रहते हो, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब वियरिंग एंड टियरिंग ऑफ द जॉइंट। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस। एक दूसरे टाइप का आर्थराइटिस होता है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहलाता है, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। वो बहुत पेनफुल होता है और उसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक स्मॉल जॉइंट, जो फिंगर के जॉइंट भी रहेंगे, आपके घुटने के जॉइंट भी रहेंगे, आपके टखने का भी रहेगा, हिप जॉइंट भी रहेगा। तो मोस्ट कॉमन जो आर्थराइटिस होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक अनदर टाइप ऑफ आर्थराइटिस रहता है गाउटी आर्थराइटिस, जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कि अपन जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो बॉडी में अगर आपके प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम नहीं हो, तो वो जो प्रोटीन अपन खा रहे हैं वो जॉइंट्स में जमा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड गाउटी आर्थराइटिस। तो मेनली तीन टाइप की आर्थराइटिस। अच्छा, ये बच्चों में देखा गया है, क्योंकि एक एज के बाद एक लिमिट में ये तो होता है, बड़ों को तो देखा है। वेरी नाइस क्वेश्चन। सो जुवेनाइल, दैट इज द जो बच्चों में होता है, दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट इज द टाइप ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि बच्चों में मेनली देखा जाता है, और उसके लक्षण होते हैं कि बच्चों में पॉलीआर्थ्रेल्जिया रहेगा, मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट रहता है, और उनमें पेनफुल जॉइंट रहता है, स्वेलिंग रहेगी, टेंडरनेस रहेगी, और उनके जॉइंट्स के अलावा रूमेटॉइड जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में उनके कार्डिक प्रॉब्लम भी रहती है, उनको कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी रहेगी हार्ट की, और उनको स्वेटिंग, उनको ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी रहती है। तो जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंटेनिंग मल्टी ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो लेकिन अगर हम बच्चों की एज की बात करें तो किस एज ग्रुप में देखा जाता है? जैसे मेनली ये देखा जाता है अराउंड मेनली 4 to 12 ईयर ऑफ द एज, 4 से 12 साल, 13 साल की। ठीक है, जैसे अभी हम मौसम की बात करें, सर्दियां चालू हो गई हैं, तो सर्दियों में क्या इसका ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है? सर्दियों में मेनली देखा जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहता है उसमें मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है, सो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है मेनली अफेक्ट करता है स्मॉल जॉइंट्स को, आपके एल्बोज को, आपके फिंगर जॉइंट्स को, नी जॉइंट्स को। तो जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहेगा, स्पेशली विंटर जो मौसम रहेगा, उस मौसम में रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज्यादा अफेक्टिव रहता है, ज्यादा प्रभावित करता है जॉइंट, और उसमें पेनफुल मूवमेंट रहता है, आपको स्टिफनेस रहेगी, तो दैट इज द करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा, अगर हम इसके रोकथाम की बात करें तो क्या इसके रोकथाम, कोई दवाई वगैरह कुछ ऐसा? तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। जो दवा की बात करें तो दैट इज द लास्ट पॉइंट, तो बट जो दवा से पहले अपन जो आर्थराइटिस को कैसे रोक सकते हैं, सो वी नीड टू चेंज आवर
फॉल्टी हैबिट जो अगर अपने की बैठने की पोस्चर गलत हो उसको अपने में इम्प्रूव करना है, डाइट अच्छी लेनी चाहिए, डाइट शुड कंटेनिंग मेनली प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए अपने को, लाइक दूध दही छाछ मेथी सोयाबीन पनीर, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स फिश चिकन मटन, तो अपने को जो अपने डाइटरी हैबिट है उसको अपने को इम्प्रूव करना चाहिए जिससे कि अपना, और अपने को स्पेशली फैट जो कि ऑयली चीजें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए जिससे कि जो जिससे कि अपने का वेट नहीं बढ़े, अदरवाइज अगर आपका वेट बढ़ता है तो वो अल्टीमेटली आपके जॉइंट को अफेक्ट करता है। सो मोस्ट फर्स्ट एंड मोस्ट फॉरमोस्ट फैक्टर फॉर प्रिवेंशन ऑफ आर्थराइटिस इज द लाइक योर डाइटरी हैबिट, सेकेंड इज द रेगुलर एक्सरसाइज, यू नीड टू डू रेगुलर ऑल जॉइंट एक्सरसाइज एंड अलोंग विद द स्ट्रेचनिंग, अपने को सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेचनिंग करनी चाहिए जिससे कि मसल और आपका जॉइंट एक्टिव रहे, आपका वेट बढ़े नहीं, दैट इज द मेन पॉइंट। और अपने को डाइट हैबिट में अच्छा लेना चाहिए, अवॉइड स्मोकिंग एल्कोहल ऑल द फैक्टर। और मेडिसिन की बात करें तो एनसीड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन इज द मोस्ट कॉमन मेडिसिन, अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसमें कुछ एंटी रूमेटिक ड्रग होती है जो कि स्पेसिफिक करती है। ओके अच्छा एक और मेरा क्वेश्चन है कि जैसा कि आज सुबह मेरे फ्रेंड है ऑफिस में, तो आज उनका मौसम के अभी जो बदलाव हुए हैं बारिश के कारण, तो उन्होंने आते ही बोला कि ये सुबह यार मेरे पैर घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो अगर हम बात करें कि ये जो हर जो जॉइंट पेन होता है वो आर्थराइटिस ही होता है? नहीं मैम ऐसा नहीं कह सकते, इफ ही इज हैविंग सम ट्रॉमा, कुछ उनको ट्विस्ट हो गया हो, कोई स्प्रेन हो गया हो, तो दैट इज लाइक वो अलग कैटेगरी में आता है। आर्थराइटिस इज द लाइक आइदर इट इज डीजनरेटिव और इंफ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द जॉइंट, बट एवरी ज्वाइंट पेन इज नॉट आर्थराइटिस, इट मे बी मस्कुलर आल्सो, किसी के ओवरवेट की वजह ओवरवर्क की वजह से स्ट्रेन आ गया हो, सडन ट्विस्ट हो गया हो, सडन जर्क आ गया, तो वो मस्कुलर पुल होता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेन और स्ट्रेन। पर जो आर्थराइटिस रहेगा वो एक तरीके से अफेक्ट करता है ज्वाइंट्स को अपने। सर एक और क्वेश्चन, जैसे कि पानी का इफेक्ट बहुत ज्यादा इस पे गठिया पे जो है वो बहुत सुना है मैंने, तो इसके बारे में क्या? तो अगर आपका जो पानी है स्पेशली देखा जाता है जो पहाड़ी एरियाज में जहाँ का जिनका पानी का जो कंसंट्रेशन है बहुत हार्ड वाटर रहता है, सो उन एरियाज में जो पानी का जो अपने पानी इंटेक जो लेते हैं जो वहाँ के लोकल लोग हैं, तो उसकी वजह से जो आर्थराइटिस रहता है वो एक तरीके से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैटेगरी में आएगा, और उन लोगों में आर्थराइटिस बहुत ज्यादा देखा जाता है, लाइक सिलिकोसिस की डिजीज भी उन लोगों में ज्यादा होती है, उन लोगों में बोन में वो जम जाता है जाके। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कपिल, कपिल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो दर्शकों उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी भी सारी भ्रांतियां जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी, और ऐसे ही और बीमारियों से जुड़े जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और देखते रहिए पंजाब केसरी।